इसमें रिएक्टिव होने का कोई मामला नहीं है, इसमें दो कंपाउंड आपस में जो है एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे आयन को, और इस तरह से दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब नोट की बात क्या करते हैं कि अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर इन सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा सॉल्यूशन में होता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ आयन ताकि कंपाउंड आयनाइज हो सके और आयनाइज होने के बाद जो है वो आपस में इंटरचेंज एबल हो सके। आलियो सोल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट और बीइंग इनसॉल्युबल, और उस दो प्रोडक्ट में जो दो प्रोडक्ट हमारा बचेगा बनेगा उसमें बेटा एक जो होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा, और जो सॉल्युबल नहीं होगा तो सॉलिड पार्टिकल होगा, सॉलिड पार्टिकल होगा तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, तो धीरे धीरे नीचे जो बैठ जाएगा तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो नीचे बैठ जाते हैं ऐसे सॉलिड पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहा जाता है। ये सेटल डाउन हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब के बॉटम में। तो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर इन सॉल्यूशन, ज़्यादातर सॉल्यूशन में होंगे। वन ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें का एक प्रोडक्ट ऐसा होगा बीइंग इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल होगा प्रसिपिटेटेड आउट, प्रसिपिटेट्स आउट मतलब वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, AgNO3 NaCl, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DD रिएक्शन। यहाँ पर AgCl आप देख सकते हैं, AgCl ये यहाँ पर हो गया, और NaNO3, Na जो है वो जो है यहाँ पर सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ चला गया कंपाउंड यहाँ पे एनायन के साथ, और Ag जो है वो Cl के साथ चला गया, दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, और यहाँ पर ये चीज़ इनसॉल्युबल हुआ, तो इनसॉल्युबल हुआ तो सॉलिड पार्टिकल फॉर्म में होगा, ये नीचे बैठ जाएगा, ये वाइट PPT के फॉर्म में नीचे बैठ गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैके क्या है कैसे। अब एग्जाम्पल देखने के बाद अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, ये हुआ कैसे। तो जब AgNO3 का आयनाइजेशन किया गया तो Ag प्लस और NO3- बना। क्लास 9 में हमने आयनाइजेशन आयन के बारे में पढ़ा है। NaCl आयनाइज होकर Na प्लस और Cl- बनाया, और इस तरह से जब हमने दोनों को एडिटिव लिया, दोनों का एडिशन किया, तो Ag प्लस Cl- के साथ और Na प्लस NO3 के साथ आप देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखें आप। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक अगले एग्जांपल की, BaCl2 बेरियम क्लोराइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ जब ट्रीट किया गया तो बना Ba(SO4+2NaCl)। यहाँ पर Ba(SO4 वाइट। अच्छा बेटा, PPT बताने के लिए एरो जो है वो इस तरह से नीचे लगते हैं, अगर ऊपर एरो लगता है तो गैस के लिए लगता है, नीचे एरो लगता है तो PPT के लिए लगता है, प्रेसिपिटेट्स के लिए लगता है। यहाँ पर देखिए बेरियम और सोडियम ये मेटल आपस में इंटरचेंज हुए और आपस में जगह बदल लिए और इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा खत्म हुआ, और अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की।